मालूम है हालात अभी तो केसेस बढ़ रहे, हो भी सकता नहीं भी सकता, सुने मगर चांसेस होने के भी है, मगर अब हम उसका बता नहीं सकते। और मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं मैं, क्योंकि हम केसीआर साहब से भी नुमाइंदगी करके अपील करेंगे कि पार्लियामेंट में बिल रुकाना है, क्योंकि अंजुमन हजार वाले भी जो ना मेमोरेंडम देते बोले, और वकबोट से भी ये करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम मेमोरेंडम देंगे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को और सेंट्रल मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी देंगे हम, और हमारे केसीआर साहब के थ्रू करेंगे काम ये हम ये, और अल्लाह चाहे तो ये बिल वापस लेने का काम पूरा करेंगे। और बिल आ रहा भी तो जो है ना 3 साल तक कुछ होने वाला नहीं है, ये सेशन में तो नहीं आता, अभी तो सब कमेटी को भेजा है लोग, सब कमेटी से पार्लियामेंट को आना, पार्लियामेंट में बिल पास होना, फिर राज्यसभा में बिल पास होना, फिर प्रेसिडेंट की साइन होना, फिर गजट बनना, फिर गजट छपने के बाद में फिर जो है ना यहाँ पर आया तक दो, उसके बाद भी फिर 2 साल का टाइम रहता अपने को। और परसों जी न्यूज में एक आया कि मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन को छोड़ के सब गलत बात है, सबके लिए कानून बना तो एक रहता, सबके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए कानून है, ये सब बेकार बात है ये। और मेरी आवाम से गुजारिश है, अपील है कि आप लोग टेंशन में मत आइए, आराम से निकल करिए, हड़ाउड़ी में काम आ करके गलत काम मत करिए, इधर बिल आ रहा बिल पास हो रहा 21 साल बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है, 18 साल नहीं छिड़ेगा इंशाल्लाह, ये तो 3 साल का अभी कानून में है, अभी अभी 2 साल तक तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपकी बैठक थी मीटिंग में सर, आपने क्या गाइडलाइंस दिया, आपको क्या बताया था सर? उनको यही बताया कि आप लोग उजलत में नहीं करना बोल के, आप लोग काउंसलिंग 5 मिनट की करिए, और जो भी निके के लिए आके इंफॉर्मेशन 1-10 दिन पहले देते खाजी को, ऐसा निकाय खाजी साहब बोल के कार्ड देते, तो वहां पर भी काउंसलिंग भी करो बोले हम, तलाक ना हो जा रहे, खुला हो जा रहा उसके ऊपर भी थोड़ा रोको बोल के हम बोल रहे, काउंसलिंग करो, दोनों को मिलाने की कोशिश करो, क्योंकि एक एक का तलाक हो जाता बच्ची का तो जो ना पूरा घर परेशान, खानदान परेशान हो जाता, तो नहीं होना बोल के हम दोनों मियाँ बीवी को काउंसलिंग करना, इमीडिएट खुला तलाक नहीं करना बोल के वो भी हम बात करें। और इंशाल्लाह ताला ये जो बिल का है कोई टेंशन नहीं है, बिल के बारे में 18 साल ही है शादी के लिए, जब बिल पास होगा वो होगा, फिर प्रेसिडेंट की साइन होंगी पूरा जब होगा, तो हम जब बताएंगे क्या करना है, और इंशाल्लाह ताला अभी 2 साल तक तो ऐसे कुछ आसार नहीं है। बहुत सारे माँ बाप, हाँ वो भी है मगर नहीं करना है, उसलिए तो मीटिंग रखे आज। अब खाजी साहिबान बोलने के बाद, हम बोलने के बाद अगर कर रहे तो माँ बाप की मर्जी की बात है, उसमें आप हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते, जल्दबाजी अगर माँ बाप करना चाह रहे तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अपना काम है बोलना है, होशियार करना है, होशियार कर दिए अपन, 2 साल तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते। आपको मालूम है हालात अभी तो केसेस बढ़ रहे, हो भी सकता नहीं भी सकता, सुने मगर चांसेस होने के भी है, मगर अब हम उसका बता नहीं सकते, क्योंकि हालात तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना कंपलसरी होगा, मास्क लगाना कंपलसरी है इस वक्त, क्योंकि केसेस ये 4 दिन में अभी एग्जीबिशन जो बन करे 10 दिन के लिए केसेस बढ़ गए थे अभी, तो केसेस बढ़ने की वजह से जो है ना 4 टाइम बढ़ गए केसेस, समझे? तो आप लोगों से भी मेरी अपील है, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, और होटलों में हुए बैठना बंद करिए, जहां पर भी चबूतरों पे होटलों पे जहाँ जहाँ भी बैठ रहे हैं ये सब ग्रुप बंदी मत करिए, अपने अपने घरों में रहिए, साफ सुथरा हाइजेनिक मेंटेन करिए, डेटॉल का यूज करिए, आप लोग सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला ये चीज कंपलसरी है अपने को हाइजेनिक मेंटेन करना, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि एक को प्रॉब्लम हुआ घर में तो जो है ना पूरा घर परेशान हो जाता, अगर डेली रोज का रोज कमा के खाने वाले को भी परेशानी हो जाती, लिहाजा इसको एहतियात कर लिए अपन जो है ना, एहतराम कर लिए हर चीज का, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उसमें।